इंसान या तो शादीशुदा हो सकता है या खुशहाल हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये मूवी के डायरेक्टर का कहना है। ये मूवी एक तरीके से सवाल खड़ा करती है कि आखिर परफेक्ट मैरिज होती क्या है। एक लंबे रोमांस के बाद एक दूसरे को परखने के बाद लव मैरिज सक्सेसफुल होती है या फिर अरेंज मैरिज, या फिर मैरिज का एक एम बन जाता है कि सेटल हो जाना बस, कौन सी परफेक्ट होती है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, पर ये मूवी एक तरीके से सभी चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करने में कामयाब होती है, जहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कॉमेडी, इमोशन और बहुत सारा ड्रामा, बट लिटरली ये काम कर जाता है। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था कि ये मूवी नहीं चलने वाली, बट ये मूवी बिल्कुल उल्टी निकलती है, बहुत ही अच्छी। इस मूवी में वरुण धवन एक कनाडा में काम करने वाला बाउंसर होता है और कियारा आडवाणी एक हाई पोस्ट में काम करने वाली महिला होती है। वो सब ठीक है, वरुण धवन को बाउंसर किसने बना दिया? पहले दोनों निब्बा निब्बी लोग होते हैं और एकदम से बूम शादी हो जाती है, बोले है तो परफेक्ट कपल। बट आगे चल के चीजें इतनी परफेक्ट नहीं होती, तलाक तक बात पहुंच जाती है। बट आगे चल के होते ही है कि जो हमारी वरुण धवन की बहन होती है प्राजक्ता कोहली, उसकी शादी होने वाली होती है। तब तक दोनों परफेक्ट कपल होने का नाटक करते हैं और आगे चल के पता चलता है एक घर में भी ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है, जहां पर अनिल कपूर अपनी 35 साल की शादी को छोड़कर डिवोर्स देने वाले हैं। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, जो प्राजक्ता कोहली होती है वो खुद किसी और से प्यार करती है। इतना ज्यादा ट्विस्ट और आपको ड्रामा देखने के लिए मिलता है कि मजा आ जाता है। और असली तबाही जब आती है, जब सभी लोगों एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। गैस करो कि अब क्या होने वाला है। अगर इस मूवी के गुड पॉइंट के बारे में बात की जाए तो आपको हर एक नए सीन में नयापन सा फीलिंग आती है और एक तरीके से मूवी आपको हुक करने में कामयाब होती है और एक क्यूरियोसिटी बनाए रखती है कि अगले सीन में क्या ही होने वाला है। और मैरिज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा ऐसे वाली सोच, माँ बनने का प्रेशर, ऐसी बहुत सारी सेंसिटिव चीजें होती है। बट ये मूवी की खासियत होती है कि इन सभी चीजों को बहुत ही ह्यूमरस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है। आपको मूवी में डायलॉग्स देखने के लिए बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत सारे अच्छे सेट्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको सिनेमाटोग्राफी अच्छी मिलती है और गाने भी ठीक ठाक है। अनिल कपूर का जो अतरंगी रोल है, लिटरली आपको देख के मजा आने वाला है। और नीतू कपूर ने भी काफी अच्छा रोल किया है, यानी कि अनिल कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी बिल्कुल जम रही थी। वरुण धवन की एक चीज अच्छी लगी, वो थी कॉमिक टाइमिंग। मुझे नहीं पता था कि मैं वरुण धवन की तारीफ करने वाला हूँ, बट बंदे ने अच्छा काम किया है। एक बहस करने वाला सीन आता है इस मूवी में, लिटरली उसमें आप उस बंदे की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और प्राजक्ता कोहली का डेब्यू काफी अच्छा था। कुल मिला के मूवी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, देख लेना, बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा। और ऐसे ही रिव्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।